मैं पहले भी रिक्वेस्ट की थी किसी तरह प्लीज इस घर में एडजस्ट कर लो। सुकांत मुझे इस घर में और यहाँ के रहने वालों के साथ एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में जरूर है। मैं इतने सारे लोगों के दरमियान अजनबी बन के तो नहीं रह सकती ना। दास्ता सही तेन आंदा की किया पकाना? सब कुछ, इटालियन, चाइनीज, इंडियन, हैदराबादी, कॉन्टिनेंटल। वाह भाई, बल्ले बल्ले हो गई है, साढ़े तक कृपा ही हो गई रब दी। चल ठीक है, राती फिर तेरे खाने पकाने दी ट्राई लेने हैं। अपना मीजी बर्ची खाना उसके हवाले कर देंगी। वैसे बड़ी अजीब औरत है तू। तुझे इस बात की खुशी है कि तेरे काम कट जाएंगे, इस बात का कोई गम नहीं कि वो सबके दिलों पर छा जाएगी? कहां तुम अपनी अम्मी के सामने मेरा नाम तक लेने से डरते थे, और कहां ये शादी? मोहब्बत कुछ भी करा देती है रानी। Come on, Sultan. You don't have to pretend in front of me. What are you trying to say? यही कि तुम अपने embarrassment छुपाने के लिए इस तरह pretend करते हो जैसे कि ये तुम्हारी मर्जी की शादी है, कि लोग तुम्हारा मजाक ना उड़ाएं कि तुमने pressure में आके शादी की है, और वो भी एक ऐसी लड़की के साथ जो तुम्हारी भाभी की तरह है। आप सुल्तान की कलीग है ना? सिर्फ कलीग? हम दोनों एक दूसरे को तकरीबन 4 साल से जानते हैं और दोस्त हैं, बहुत अच्छे। इतनी अच्छी तरह जानते हैं कि सुल्तान ने मुझे प्रपोज कर दिया। जब अम्मा आपसे वो सारी बातें कह रही थी तो क्या आप उन्हें नहीं कह सकते थे कि इतने साल पहले उन्होंने भी तो अपनी मर्जी से शादी की थी ना डैडी से? मेरा और फराज का तो सिर्फ कास्ट और नेशनलिटी का फर्क है, वहां तो दोनों के रिलीजन ही बिल्कुल डिफरेंट है। चल कुड़े रसोई कर, चल चल के कुछ पका के वहा, देखा था कुछ आंदा भी हैगा कि नहीं। कोरस कर के आ गई, फैशन च पैसा ही रोड़ा ही सारा। रुको, तुम कहीं नहीं जा रही, सोहा कहीं नहीं जाएगी। क्यों? मुझे काम है। तने की काम है, तू अपने काम ते जाते देर हुंदी पईया। मुझे आज कहीं नहीं जाना। का दे नहीं कहा ना, काम है मुझे। केड़ा काम है तेनू, इन छड़ जाए थे ते अपने काम ते जा। ते आज जनू भी नो ना समझो, मेरी बीवी समझो बस। चलो सोहा। ते जे इस घर दी नो नहीं हैगी ते इस घर च रहंदी का दे नहीं है? एदी बाह फट तां निकल इत्थों। तो ठीक है अम्मी जी, चला जाऊंगा मैं, मुझे भी शौक है इस कबाड़खाने में रहने का। कबाड़खाना? तू इस घर नु कबाड़खाना कहना? इनू घर बनाउन वास्ते बिल्लो ने अपनी उम्र गाड़ दी, तू बकवास करदा पे? बदतमीज कुत्ता जे ना होवे ता। तुम्हें अचानक से मेरी स्टडीज का ख्याल कैसे आ गया? बस आ गया, सही नहीं? हाँ है, लेकिन तुम्हें अम्मी जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि जो भी है वो तुम्हारी माँ है। कौन सोहर, अब तुम ज्यादा सती सावित्री बहू बनने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हें पढ़ना नहीं? तुम क्या आगे नहीं बढ़ना चाहती? या टिपिकल औरतों की तरह बस शादी कर ली, सब कुछ खत्म, बस सिर्फ अब खामन और घर के काम, बच्चे, चूल्हा, दैट्स इट? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मेरी स्टडीज के बारे में सोचा, लेकिन अम्मी जी को आराम से भी तो कन्विंस किया जा सकता था। आई मीन सुकून से बात करने में क्या जाता है? क्या? जी, वक्त जाया होगा। तुम्हें पता है अम्मी जी की आदत, वो कभी भी किसी बात पे कन्विंस नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। और ना ही आराम से बैठ के बात सुनना या करना उनकी आदत है। और वैसे भी इस तरह की टोन में बात करना हमारी फैमिली में एक नॉर्मल बात है, बदतमीजी वगैरह नहीं है। इट्स ओके। एक और तरीका भी था उन्हें मनाने का। क्या? देखो, वो मेरे हाथ का खाना खाना चाह रही थी। बिलीव मी, मैं बहुत अच्छी कुक हूँ। मैं उन्हें अपने हाथ का खाना खिलाती, वो खुश होती, और मैं उनसे यूनिवर्सिटी में मुझसे बात कर लेती। कैसा? डफर, जिन नामों से मैं तुम्हें पुकारता हूँ उनमें एक और नाम शामिल कर लो, डफर। क्यों?
दफर नहीं है, दफर्स वाली बात है यार। देखो अगर तुम अच्छी कुक होती और अम्मी जी को तुम्हारा खाना पसंद आता तो पता है करती, तुम्हें अपने रेस्टोरेंट के लिए कुक रख लेती, उन्हें मुफ्त का कुक मिल जाता, तुम्हें हाथ से जाने देती, और कहाँ जाती फिर तुम्हारी स्टडीज? रेस्टोरेंट में। ऑब्वियसली यार मैं नहीं चाहता कि तुम एक और परवीन भाभी बनो, समझ आई? रात को फोन किया तूने पीनू, खैर ही? इधर तो दिन चढ़ा हुआ है और मेरी बात सुन के ना आपके भी 14 तबक रोशन हो जाने। वो कहीं चाची बिल्लू अल्लाह को प्यारी तो नहीं हो गई? ले वो लगी ना जाए, 2-4 को ना कब्रों में डाल के लगेगी वो। मैंने बताना था वो हमारी अंजुमन है ना। अपनी शौकत की होने वाली बॉटी, इन्हीं ख्वाबों में रहना। और मैंने सोचा कि सुल्तान की शादी का मामला जरा ठंडा हो जाए ना तो फिर रिश्ता डालते हैं। बट्टा सट्टा ना सही, ऐसे ही सही। लो इसका मतलब है हमारी परजाई तो पैके के बारे में कुछ बताती नहीं आपको। कौन सी खबर है बता भी दे। ये जो हमारी अंजुमन है ना, हमारे सिर पे खेर डाल के नस गई है कार से। आहो जी, मैं फिक्की, मैं बेस्वादी, अब पता चलेगा ना कैसी खबर दी है मैंने। तू तू क्यों आ गया मेरे घर? ओए तू हर वेले फुंकारा क्यों मारती रहनी है? तन में किन्नी गज गया मेरा कलेजा साड़ा ना आया कर मेरे घर। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जिदो भी आना है तेरा मूड सुआ ही होया होता है। मैं ता सारी सड़ के आप सुआ हो गई हां। आ दस तू अंजुमन नु करो कटिया के नहीं कटिया? ओए खैर ही सल्ला, मैं क्यों निकालूं अपनी बेटी को अपने घर से? ठीक है, तन में पहले भी क्या से कुलजीत ता तन में आज भी कहंदी पई हां, जे तू अंजुमन दा खेड़ा नहीं छड्या ना ता समझ ले मेरा ना तेरी खत्म। ओए ओए पागल हो गई है क्या? तू चाहती है तेरी बेटी सड़क पे आ जाए, खुद धक्के पड़वाना चाहती है दुनिया के उसे? मैं तो चाहती सी वो इज्जत ना अपने कर दी होवे, आ सड़क पे आने वाले काम तो उन्हें आप कर ले। ओए बच्चों से गलती हो जाती है, छड़ भी नहीं। कुलजीते मेरा हुन दिमाग खराब हो गया, इस घर च की पिया हुंदा मैं तेनू की दसा? सुल्तान दा जद तो व्याह होया उन्हें अपनी अखां मथे ते रख लिया, ता जड़ी ओदी नू व्याह की आई है ओदा ता दिमाग ही नहीं मिलता, ओदे ते तरीके नहीं गए मेरे घर टिकण वाले। ये सब एदी वजह ना होया है। जे अंजुमन व्याह के पाकिस्तान चली जांदी शराफत नाल तां मैं उत्थों कोई पीनो वर्गी कुड़ी ले आनी सी। मैं इहनू कदी नहीं छड़ना, मैं तैनूं कहता अंजुमन नाल वास्ता रखना तां बस मेरे नाल मुक गई तेरी। बलवंते बलवंते इन्ना दिल सख्त ना करो। ए मेरा दिल सख्त ही आ, हुण कर ला जो करना। मैं आराम नाल गल कर रहा वा ते तू सिर ते चढ़दी जानी है, कोई लिहाज ही नहीं होए? कादा लिहाज है, तू की कर लेगा मेरा? ओए शोखी ना बन, मैं तुझे सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मैं फराज ते अंजुमन दी शादी करा रहे हैं वहाँ। अच्छा ठीक है ठीक है, चोर दी शादी तो चोर नाल ही हो सकती है ना। ओए चोर? आहो ता अंजुमन मिल गया ने जो चुके लगी सी, उस हिंदुस्तान वाले मुंडे ने क्या होना है कि जा अपनी माँ दा गहना चोरी करके ले गया, एहो जी ने ना। बस ठीक है फिर, जान ते जान खसमा नु खान। वो दोनों चोर नहीं है। ओए बस कुलजीते, जे ओ चोर नहीं गए तो मैं चोर है गिया, मैं डकैत है गिया, मैं धोखे करनी है, तू इत्थे कादे लई बैठा है? तू उठ के चला जा इत्थों। बलवंते बलवंते एनी बदीत ना बन। ओए देख कुलजीते, मैं तैनू आखरी वारी दस रही हां, जे तू अंजुमन दा साथ देना तो समझ ले के तेरी मेरी खत्म। चल ते फिर खत्म ते खत्म। उठ क्यों है? आखिर निकली है ना तू गंदी नस्ल। जिस दिन मेरे चाचे ने सरदारनी से शादी की थी उसे दिन मेरी दादी फड़क के दिल के दौरे से मर गई, सिर्फ इस वजह से कि उसमें सिखों का खून शामिल हो गया था।
नस्ल गंदी हो गई और आज मुझे इस बात का पक्का यकीन हो गया। क्यों है आधी रात को शोर मचा रहे हो? ओए मैं सोच के आधी रात शोर क्यों मचा रहे हो? सही सी बता, तेरी बहन किधर है? मेरी बहन? और कितनी बहन है तेरी? मैं अंजुमन का पूछ रहा हूँ, किधर भाग गई है वो जी अम्मी के पास ही थे अमेरिका। और बंद कर अपनी, मुझसे अपने मिजाजी खुदा से तूने ये बात छुपाई है कि तेरी बहन नस गई है? नहीं जी, मेरी तो थे गल भी नहीं हुई बात। क्या वो तो ये तो तू करने का मकाम है, शर्म का मकाम है तेरे लिए। कितनी बड़ी कुन्नी और नीसनी, इतने दिनों से चुप करके बैठी हुई है। तो यही तो करतूत है तुम दोनों बहनों के, शर्म ही खत्म हो गई तेरे अंदर से बिल्कुल। जी मेरा क्या कसूर है इसमें? कसूर? तेरा पहला कसूर यह है कि तूने मुझसे बात छिपाई है। दूसरा, अब तो मुझे तुझ पे भी शक है कि मुझसे विवाह करने से पहले पता नहीं तूने कितने चांचाड़े होंगे। आखिर हो तो दोनों पैड़े ना, है भी एक ही सिखड़ी की तरबियत। मेरी अम्मी जी को तुझे कुछ नहीं कह रहा। बकवास नहीं कर मेरे से। तेरी बेबे को कुछ ना कर, दागी कुड़ी मेरे मथे मार दी है। दागी ना जो करतूत तेरी बहन के, उसके बाद तू कसम भी चक ले तो कौन यकीन करेगा तेरी बात का? है तेरी माँ पता नहीं खुद को क्या समझने लग गई होए। खैरियत तो है मामा जी? बड़े गुस्से में। तेरी माँ से बकबक करने के बाद कौन मुंह से फूल बरसाएगा? ओ ये बात है, तो आज आपकी बारी। कल मेरी शामत आई हुई थी, आपको पता है। मैंने तो ये किस्सा ही खत्म कर दिया है, तेरी माँ से मिलना जुलना जीना मरना साथ सब खत्म। छोड़ दो मामा जी, ऐसे दावे तो आप दोनों पहले कई बार कर चुके हैं। लेकिन होता कुछ भी नहीं। अच्छा बताएं हुआ क्या? ओए अंजुमन की बात पे तब गई होए। मामा जी आपको ये बात अभी उनके सामने छेड़नी नहीं चाहिए। मैं तो खुद अवॉइड कर रहा हूँ इस बात को। अपने तौर पे कोशिश कर रहा हूँ उस लड़के के बारे में पता कराने का। उसके अपार्टमेंट भी गया था मैं। उसके दोस्त ने बताया कि कोई लड़की वहाँ दो दिन के लिए आई थी, लेकिन फिर वो लोग चले गए कहीं पर, और कहाँ गए हैं ये तो किसी को भी नहीं पता। अरे दोनों मेरे पास हैं। आपके पास मामा जी? वो फराज ओए बड़ा चंगा मुंडा है, अंजुमन से मोहब्बत ही नहीं उसकी इज्जत भी करता है। ओए पर तेरी अकल से कोड़ी माँ को कौन समझाए? ये मुझे उसकी जरूरत नहीं है, आप पे करेगा शादी उसकी। आहो जी हाँ, वाहे गुरु दी शान है। तेरा बेड़ा तर जाए, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए अंजुमने। कुलजीते तू एक मिनट सांस ना लवे सुख दा, तुसी दोवां ने जड़ी मिन्ना कीती है। पागल हुई है बिल्लो, अपनी तीनू ते अपने भरा नू बदपाइयां दे रही है। तू चुप कर, बेड़ा गर्क होवे तेरा भी। तू ये तो है फसाद दी जड़, ना तू मैनू टक्कर दो ते ना मेरे नाले हुंदी। अज मेरे भरा ने मैनू इस तरह ताना मारे तेरी वजह नाल, तेरी वजह नाल मेरे वीर ने मैनू ताने मारे आ। तो फिर हो गया तेरा एडमिशन? जी हो गया।
पढ़ेगी आगे? जाहिर है, अब एडमिशन लिया तो पढ़ूंगी भी। बहुत ही शौक है तेनू पढ़न दा। बहुत। हाँ, ताई दे सुल्तान है, सारे कार वालों से लड़के ना तेरा एडमिशन कराया। गल पूछा? पूछे। पता प्यार करता तेनू? बहुत। चोरी? हाँ चोरी। अम्मा ने मामा जी को ये कहा कि घर से निकलते वक्त मैंने उनकी ज्वेलरी चुराई है, और तो और उनको ये लगता है कि ये काम मैंने तुम्हारे कहने पे किया है। मगर मैंने तो ऐसे कुछ नहीं कहा है। तो मैंने भी कौन सी ज्वेलरी चुराई है? दो चार कपड़ों के अलावा मैं घर से कुछ भी नहीं लेके निकली। तो फिर इस चोरी का केस हम पर डाल रहे हैं ताकि इस रिश्ते को ना कर सके। नहीं फराज, आई नो माई मदर, अम्मा जैसी भी हो वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। आई नो कि कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसकी कोई और वजह है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए मैं घर जरूर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। सोहा? थैंक्स। थैंक्स थैंक्स गैरों से कहा जाता है। तो फिर अपनों से क्या कहा जाता है बताऊं? फिर करा देता ना कुड़ी का दाखला, अपनी मर्जियां करना, सुनदा नहीं तू किसी दी गल। अम्मी आपको कोई काम मुझसे? क्यों, मैं तेरे कमरे से बगैर काम तो नहीं आ सकती पुत है? नाले मेनू तेरे कोलो केड़ा काम पैंदा? काम ते तैनू पैंदा मेरे कोलो। हर तीजे महीने आ जाना तू सेमेस्टर दी फीस लैण वास्ते। ते गल सुन, ए फार्म ना कुछ नहीं हुंदा पुत, बहुत रकमां भरनियां पैंदियां ने, मैथों उम्मीद ना रखियो। मुझे आपसे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं, आप फिक्र नहीं करें। आपने तो मुझसे हाथ ही खींच लिया, खुद कमाऊं खुद खाऊं सब कुछ अपना खुद करूं, और मेरे जितने दोस्त हैं वो सब मुझसे आगे निकल गए सिर्फ अपने पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से, और जब मेरे एग्जाम्स की बारी आती आप तो फीस देने से इनकार कर देती है। कर लूंगा मैं खुद। तो फिर इन्हों किस गिरते थे पढ़ाने लगा है? हैं? मैंने कहा ना फिकर नहीं करो, मैं दूसरी जॉब कर लूंगा। तो फिर तुम अपने एग्जाम्स कैसे दोगे? ले लूंगा। नहीं सुल्तान, मैं अपनी वजह से किसी और को परेशान नहीं कर सकती। चल बड़ा चंगा, शाबाश है, इन्हों पाड़ के छोड़ दे चल। ये तो मैं फील करूंगी, और जिस तरह सुल्तान पढ़ाई के साथ साथ कोई जॉब करे मैं भी जॉब कर लूंगी। जॉब कर लूंगी। जे एक बार ये नौकरी करने वास्ते घरों निकल गई तो फिर इन्हें रोकना बड़ा मुश्किल हो जाऊगा। इनका रोकना ही पड़ेगा। सोहा, तुमसे शादी की है तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी उठा सकता हूँ। जानती हूँ मैं, लेकिन मेरी वजह से तुम्हारी स्टडीज अफेक्ट हों ये मैं कभी भी नहीं चाहूंगी। इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे, कभी इजहार तो किया नहीं यार। जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है भाई। देखो जिस तरह, हाँ जिस तरह एक इंडोर प्लांट होता है उसको वक्त पे पानी मिलना ऑक्सीजन मिलना जरूरी होता है, इस तरह person you love you have to tell him that you love him, otherwise there's no point. filhal mere liye zaruri hai ki main kya job karu aur kahan karu. You're right,
नहीं हो यहाँ पे, एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो एक काम करते हैं, अपनी ईगो को लपेट कर अपने पास रखो और ये सारा कुछ मेरे पे छोड़ दो, तुम्हारी फीस वगैरह हर चीज़ में देख लूँगा, ओके? अकोड़े ओरिया अंदर आ। जी आ जा बह जा, तेनू खा नहीं लेना मैं। जी सुल्तान चला गया। जी आ तेरे मापे ने तेनू जी दी गुड़ती दी है सिर्फ, है हरले जी जी करती रहनी है। जी जाब लभी है कोई? अभी तक तो नहीं, लेकिन सुल्तान ने कहा वो ढूंढ रहे हैं, जैसे कुछ होता है तो मुझे बताएंगे, फिर मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगी। किसी स्टोर ते रखा दे तेनू, होर तेनू केड़ी जाब लभनी है? वैसे मेरे कोल हैगी है कि जाब तेरे वास्ते? जी मेरा मतलब कौन सी जॉब? भाई अद्धा दिन तू पढ़ तो अद्धा दिन तू जाब कर, तो काम भी यहोजा जड़ा तेनू आंदा ते तनखा भी वक्त ते मिलेगी। अच्छा ऐसी कौन सी जॉब है आपके पास? तो ठीक है मेरे ढाबे ते काम कर ले, उंज भी मैं सोच रही सी कि हुण देसी खाना बहुत हो गया, कोई जरा चाइनीज शाइनीज करिए, काम वधाइए, तैन तो आंदे ने सारे खाने। जी आता तो है। तो बस ठीक है, तेरी नौकरी पक्की है कल तो? कल की हुण ही चल तैयार हो जा। मैं सुल्तान से पूछ के आपको बताऊंगी। मैं आपे तो पूछे बगैर व्याह कर लिया है, तो हुण खसम तो पूछे बगैर जाब नहीं कर सकती, बड़ी वड्डी ताबेदार बननी है, हुण कमाउण वाली बन रही है तो अपने फैसले आपू कर है। तेरे कॉलेज की फीस किन्नी है? एडवांस दे देंगे मैं तुम्हें 2 महीने की तनख्वाह। तू तो हाथ चला, तेन की होया? जल्दी हो। This is great. इसको afford कौन करेगा? ज़ाहिर है लेकिन मैं ही करूँगा। Oh, पाकिस्तान से आई हुई typical housewife. How could I forget? इनको तो आदत होती है ना अपने हस्बैंड के ऊपर अपना सारा बोझ डाल देने की। अब तुम अपनी जॉब और स्टडीज के साथ इसका भी। कितनी सेल्फिश होती हैं ये औरतें, आई मीन बीवियाँ। लेकिन सोहा बिल्कुल सेल्फिश नहीं है, बहुत सेंसिटिव और खुदार लड़की है। बचपन से उसके माँ बाप नहीं है तो उसको अपना बोझ खुद उठाने की आदत है, यहाँ पे भी ऐसा ही करेगी। डोंट अंडर एस्टिमेट हर, तुम देख लेना बहुत जल्दी मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। बी केयरफुल, कहीं कदम से कदम मिला के चलते चलते तुमसे आगे ना निकल जाए। अगर ऐसा हुआ तो मुझे खुशी होगी। वो केड़ा स्यापा पै गया, क्यों रो रही है इतना? कौन मर गया पिछलों में, कुछ बता तो सही। अपनी मुसीबत बर्दाश्त जी, और मैं चुप भी नहीं रहूंगी। अब क्या सिला मिला इतनी खिदमतों का मुझे? ओए होया कि ये दास्ते सही, इन 8 सालों में ढाबा ते कार, ढाबा ते कार, एक ऐही रास्ता आंदा मैंने न्यू यारा का। 8 साल हो गए कभी कहीं गई नहीं मैं, ना मोबाइल फोन, ना कोई दोस्ती, ना मिलना ना जुलना। लो जी नवी मुसीबत, नवा स्यापा। सुनो 8 सालों में नायक जी अपने आप को ना मैंने तंदूर के आगे गलाया है। 12 बंदों का काम करती हूँ मैं रेस्टोरेंट में, और आप थोड़ा सही लेकिन लाके अम्मी जी के हाथ पे देते हैं ना। और सुल्तान ना खमता ना खाचता, एक टेला नहीं देंदा, तो उसकी जनानी सारे नु आगे ला के रखे।
ओए मलका जज्बात ऐ जे रोण वाली केड़ी गल है है ना रोण वाली गल हुण ओ काम करेगी और अम्मी जी उन्हें तनखा देगी कदी अम्मी जी ने मेरे हाथ एक आना नहीं रखा के ऐ ले पुत्र ए तेरी जेब खर्च ते मैं तो होई ना नौकर मुफ्त दी नौकर लो जी लानत है मेरे पुछने पे और लानत है कि मैं इस कमरे में आया आराम करने के लिए और कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि तेरी जबान बड़ी चलती है टर 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 बह के रो अपने पिछलियां नू मैं जा रहा हूं फिल्म देखने तू जाओ पहले बड़ा फर्क पड़ा है तौनू तेरे से तो बेहतर कतरीना कैफ ही है उसी को जाके स्क्रीन पे देख लूं रो चवी घंटे आंसू चवी घंटे गिले शिकवे रो बह के कली जब अपना मर दिन अपना थे फिर की रोना तुम्हें डिसाइड करने से पहले मुझसे मशवरा तो लेती किसी आउटसाइडर के लिए करती तो जरूर मशवरा लेती इनफैक्ट परमिशन भी लेती लेकिन ये तो तुम्हारी अपनी अम्मी है मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ ही रहा था मिल जानी थी कुछ दिनों में ये कोई काम है करने वाला काम कोई भी बुरा नहीं होता हलाल हो तो और ये काम कैसे बुरा हो सकता है इस काम से तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें इस काबिल बनाया है और फिर इसके प्लस पॉइंट्स भी तो बहुत हैं अच्छा मसलन देखो मुझे दूर कहीं नहीं जाना होगा काम मेरे इंटरेस्ट का है मुझे कुकिंग करते हुए बोरियत नहीं होती मैं थकती नहीं हूँ और बाकी का आधा दिन मुझे फ्री मिलेगा और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उन्होंने मुझे एडमिशन फीस डिपॉजिट कराने के लिए 2 महीने की तनख्वाह एडवांस में दिया What? Are you serious? Something wrong. पंच केजी प्यार वाले की करदा पे बाथरूम च इतनी देर ला दी है जल्दी हो मैं हुन ग्रोसरी दा हिसाब भी लिख दिता जल्दी कर किते बाथरूम च वड़ के पींदा तो नहीं पिया हेलो कौन मुमताज रोंदी क्यों पई है की गल हुई है मुमताज बेटा गल तो कर की होया पुत अभी तक तेरा मातम खत्म नहीं हुआ चवी घंटे रोंदी बूथी पानी कितना रह गई सी मेरे चोगी और चल अब उठ जा जाके नाश्ता बना चल अम्मी जी खैर है खैर ता हुन तेरी जनानी दी नहीं हैगी ना शोधिए कमीनी है तेरे कोलो एक गल पेट च रखी गई पाकिस्तान च अपने खसम नु नंगा कर दिता बेगैरते अंजमन की इज्जत रोल दिया तेन इनायत का ख्याल नहीं आया जो अपने भरा की इज्जत का ख्याल नहीं आया तो मैं करा देखिए तो देखा कमीनी चाहिए देखा जबान मिसरे की कितनी तेज है सारे पाकिस्तान च अंजुमन नु पण छड़िया बदनाम कर दिता सानू इन्हें परवीन एक तो बदनामी हुई उतो
अगर आप होते तो शायद मैं इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठाती जल्दबाजी में। मेरे पे डाल दो सारी बात। वैसे अगर देखा जाए तो कसूर तुम्हारा भी नहीं है। ये जो जल्दबाजी है ना, हमें जीन्स में मिली है, गिफ्ट है। क्यों मामा जी? सोच तो मुझे इस बात का भी है कि मेरी वजह से मामा जी और मम्मी जी के बीच में भी झगड़ा हो गया। तू भी फिक्र ना कर कुड़िए। नहीं मामा जी, ये तो वैसे गलत बात है। आपका बहन भाई में इतना प्यार है, हमेशा आप लोग साथ रहे हैं, आपने उनका इतना साथ दिया, तो गलत चीज है। मैं भी समझ बहन नाल बड़े दिन रह गया, उनकी दीवारी। चल वैसे मुझे अब फिक्र नहीं है इसकी, बस फराज से मिलना है। पर मेरा एतबार नहीं, मैं उन्हें मिलिया वहां, उन्हें जवाई बनाते मैनू कोई इतराज नहीं है। जो कुछ मैं पम्मी वास्ते नहीं कर सकता, वो मैं अंजुमन वास्ते करूंगा। आहो अंजुमन जी। मेरा हाथ फाड़ लिया तू? तेरी जरूरत की नहीं हुई है? आप बस भाभी को नहीं मारेंगी अब? मेरे मामले च ना बोल, मैं तेनू पहले भी क्या सी? ठीक है भाभी ने जो भी किया वो गलत किया, लेकिन आप हमको इतनी बेरहमी से क्यों मार रही हैं? मैं कहनी हूं हुण मैं तेरे को ना तो नहीं पूछना कि की करना था की नहीं करना जिंदगी दे विच। इनायत भाई अब भाभी को अंदर ले जाएं, इनकी हालत देखी आपने। दफा हो जा इत्थों कमीनी जई, जाके हुण ये भी अपने भरा नु दस दे फोन करके, दब कुटिया मैं तेनू, कर ले जो करना है। बगैरता जईया, दफा हो जा तू भी। सोहा तुम्हें क्या जरूरत थी पराया फड्डे में टांग अड़ाने की? पराया फड्डा? ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था। तो अपनी आंखों समेत कमरे में बंद हो जाती, जिस तरह इनायत भाई ने किया। भाभी बीवी है उनकी, जिस तरह अब्बा जी ने किया। सगी भतीजी उनकी, लेकिन बीच में नहीं आए। तुम्हें क्या जरूरत है बीच में आने की? सॉरी सुल्तान, मगर मैं ऐसी बेहसी नहीं दिखा सकती। God's sake, Soha, try to understand. अब अम्मी के मूड और झगड़े तो मुझे बर्दाश्त करने पड़ेंगे ना, उनकी नाराजगी कौन देखेगा? और किसी तरह कुछ भी करके मुझे कुछ महीने इस घर में गुजारा करना है अभी। ये क्यों नहीं कहते कि बेहस और पत्थर दिलों के गुजारने हैं? Soha, ऐसे तो कोई किसी जानवर को भी नहीं मानता है। जानवर ही था मैं और इनके खूंटे से बंध गई हूं। चलो हुण बड़ी हो गई है खस्त चाकरी तो हमदर्दी, उठ खड़ी हो। भाभी की तबीयत ऐसी नहीं है कि वो भी काम करें। ये तो कदी भी किसी जोगी नहीं सीगी, इन कौन पे कहंदा है? तू चल, आज तेरा ढाबे ते पहला दिन आ। चल मैं तेनू काम समझावा, खड़ी हो जा, छेती हो। मैं हमेशा इंडिया में रहना चाहता था, मगर अम्मी के ख्वाब थे कि मैं दुनिया देखूं। वो समझती थी कि बाहर की दुनिया उनके लाडले को हाथों हाथ ले देगी। तो अब क्या प्लान है तुम्हारा? शादी के बाद क्या प्लान है? एक दो दिनों में अम्मी यहाँ पर आने वाली है। शादी से बहुत ही खुश है, समझ रही है कि यहाँ पर अब मेरे कदम जम जाएंगे। लेकिन मेरा प्लान है कि अम्मी को कन्विंस करूँ कि मैं अंजुमन को इंडिया ले जाओ। आपको कोई इतराज होगा? अगर अंजुमन जाना चाहती है तो मुझे क्या इतराज होगा? बस सिर्फ इतना है, क्या तुम उसको वहाँ खुश रख सकोगे या उसकी
सिक्योर फ्यूचर की गारंटी दे सकते हो तुम? डिग्री तो मैंने यहाँ से ले ली है, जॉब मिलने में आसानी हो जाएगी। सिक्योर फ्यूचर की गारंटी कौन दे सकता है, लेकिन आई प्रॉमिस यू मैं अंजुमन को बहुत ही खुश रखूंगा। इतना ख्याल है अगर अपने हाथों का तो इस काम में घुसी क्यों थी? अभी देखना एक हफ्ते के अंदर ना तुम्हारे हाथों का क्या हशर होता है। तुम्हें बड़ी फिक्र है मेरे हाथों की और मेरे दिल का जो हशर होता है तुम्हारी बातों की वजह से। अब क्या कहा है मैंने? यही तो मैं पूछ रही हूँ, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुमने मुझे इतना डांटा फोन पे? क्योंकि तुम वही करती हो जिस बात से मैं तुम्हें मना करता हूँ। अम्मी ने इतनी क्लास ली है मेरी ना, तो मैंने उनके साथ मिसबिहेव किया ना कोई गुस्ताखी की, इंसाफ की बात की थी। कैसे मैं भाभी पे ज्यादती होती देखती? सोहा मेरी पूरी फैमिली भी देख रही थी। तुम्हारी पूरी फैमिली बेहिस है। अच्छा तुम भी इस फैमिली का हिस्सा बन गई, तुम भी थोड़ी सी बेहिस हो जा। मरते दम तक नहीं होंगी। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, तुम अपने किसी काम के लिए अपने पेरेंट्स से इतना रूढ़ हो सकते हो, उनके साथ ऊंची आवाज में बात कर सकते हो, बदतमीजी भी कर सकते हो, लेकिन किसी और के लिए नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, इसलिए कि इंसान बहरहाल अपने लिए ही जीता है, और वैसे भी हमदर्दी उन लोगों से की जाती है जो इस काबिल हों। सॉरी टू से, भाभी ने, भाई ने और अब्बा जी ने अम्मी जी की हर ज्यादती बर्दाश्त की है, उनके रोब में रहे हैं सारी जिंदगी, और अम्मी जी कुछ इसकी आदत पड़ चुकी है, और भुगतना हम सबको पड़ता है। सब पे रोब झाड़ती है, जो उनके दिल में आता है बस समझती वही ठीक है। शुक्र है अंजुमन यहाँ से निकल गई, आई होप हम भी निकल जाएंगे किसी दिन। मुझे यकीन नहीं हो रहा कोई अपनी फैमिली से इतना लाताल्लुक कैसे हो सकता है। जब अच्छी तरह जान जाओगे ना मेरी फैमिली को फिर ये सवाल नहीं करोगे। तुमने अपने बलबूते पे ये रास्ता बनाया ना, अगर तुम्हें इतने ही गट्स थे तो इनको भी इस रास्ते पे ले जाते, इनको भी बदल लेते। बस बिना वजह की बहस तो तुम करती चली जाओगी करती चली जाओगी, इनका कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। भाभी ये दूध पी लें, गर्म है, और साथ में ये पेन किलर्स भी खा लें। जब किसी दूसरे को आपका एहसास ना हो ना तो अपना ख्याल खुद कर लेना चाहिए।